हज करने के लिए केरला से निकले शेहाब छोतुर मुमरा से पैदल गुजरते हुए इनकी कैसी रही यात्रा देखिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस। शेख शाहिद आज का महानगर में आपका स्वागत है। केरला से निकले हज करने शेहाब छोटू ये केरला से पिछले 36 दिन से लगातार सफर कर रहे हैं। ये दिन भर चलते हैं, रात में कहीं कयाम करते हैं, फिर आगे इनकी यात्रा चलती है। ये ऐसे ही चलते चलते ये केरला से पैदल यात्रा करते हुए ये गोवा आए, गोवा से कोकण आए। कोकण के वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी इनका सत्कार किया और ये वहाँ से लगातार चलते चलते गुरुवार 7 तारीख को इन्होंने पैदल यात्रा मुमरा से की। मुमरा में लोगों ने कैसा इनका सत्कार किया, इनकी पैदल यात्रा मुमरा से कैसी रही, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और लगातार अब ये सफ़र करते हुए थाना में इन्होंने स्टे किया है और थाना से ये अभी कल गोडबंदर से यात्रा करते हुए ये सूरत की तरफ रवाना होंगे। ये सूरत होते हुए ऐसे इनकी यात्रा आगे बढ़ते जाएगी। ये राजस्थान, राजस्थान से ये पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, पंजाब से ये बॉर्डर पकड़ के फिर वहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से इनकी ऐसे ही पूरी यात्रा चलती रहेगी और ये चलते हुए मक्का में जाके कयाम करेंगे। मगर लोगों में ये सवाल है, हज को अभी 1 से 2 दिन बाकी है और ये कैसे हज में पहुँचेंगे, तो ये लोगों का सवाल वाकई सही है। मगर हमने इनके जो साथी है, जो इनके साथ में 8-10 जन जो लगातार गाड़ियों में आगे पीछे सफ़र कर रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और ये अभी यहाँ से जो बढ़ेंगे, ये बढ़ने के बाद ये वहाँ जाके ये उम्रा कर सकते हैं, उम्रा करके वापस रिटर्न आएंगे इनका कहना है, और फिर यहाँ से अगले साल हज में वापस बाई फ्लाइट ये जाएंगे। तो अगले साल इनका हज मुकम्मल होगा और इनकी पूरी यात्रा कैसी रही वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनके साथियों से हमने क्या बातचीत की वो भी हम आपको सुना रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, आप लोग लगातार गाड़ी लेके इनके पीछे चल रहे हैं, ये पैदल हज के लिए निकले हैं, तो इनका नाम क्या है पूरा? शियाब चोचुर फ्रॉम केरला मलप्पुरम। तो कौन से गांव से ये है? चोचुर, तिरूर चोचुर। अच्छा, केरला में? केरला मलप्पुरम तिरूर चोचुर। अच्छा, ये कितनी तारीख को आप लोग यहाँ से ये हज के लिए निकले हैं? दो तारीख को जून। तो 2 जून से आप लगातार ये पैदल ही चल रहे हैं आप लोग इनके साथ? 36 दिन हो गए आपको? 1600 कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ से ये रूट जो आप मुमरा से अभी निकले आप लोग, मुमरा से कैसा कैसा आप आगे बढ़ेंगे? अभी नेक्स्ट रूट नेक्स्ट गुजरात बॉर्डर सूरत एंड राजस्थान पंजाब हरियाणा पंजाब वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग इन पाकिस्तान एंड ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह। लोगों के दिल में ये सवाल है, अभी हज को कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो इतने दिन में कैसे सफ़र तय होगा? नेक्स्ट ईयर। अच्छा, हज मतलब नेक्स्ट ईयर करेंगे, ये अभी से पैदल चल रहे हैं। ओके भाई, क्या नाम है आपका? आपका हनीफ भाई, ये जो हज के लिए निकले हैं इनका नाम क्या है? शिहाबुद्दीन चोटूर, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरला। केरला से? अच्छा, ये कितनी तारीख को निकले हैं? 2 तारीख को जून में निकला। 2 तारीख जून में। और आप मतलब टोटल कितना दिन आप चले हैं, कितना किलोमीटर आप चलते हैं? 150 किलोमीटर हो गया। 50 किलोमीटर। तो अभी आप उमरा रेती बंदर पे हैं, यहाँ से अभी आपका रूटिंग कैसा है? पूरा ताना वापी नासिक सूरत पंजाब हरियाणा वाघा बॉर्डर वहाँ से फिर ये आगे अकेले सफर तय पूरा। आप लोग कितने लोग हैं साथ में? 6-7 आदमी। तो आप मतलब गाड़ियों में आगे पीछे? मक्का मदीना बाय फुट इज ऑन फीट। ही स्टार्टेड फ्रॉम केरला, नाउ ही इज इन मानगांव, नाउ ही इज गोइंग टू पनवेल, बाय पनवेल टू कल्याण, कल्याण टू
all the way from Delhi to Pakistan and then Kuwait and then Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. His name is Mr. Hanif. So I am going to give him congratulations and best of luck from Raigad Maharashtra Police. Thank you very much. थोड़ा सर क्या सर चलो।